हेलो बच्चों, तो क्लास ट्वेल्थ की मैथ में इस समय हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 11 बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम सब लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसके दो पार्ट में हम सब लोगों ने अभी तक, पहले पार्ट में इंट्रो के बारे में देखा, इसके कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, हर एक क्वेश्चन में वही मेथड यूज करना है। और फिर इसके बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा कि पहले वाले पार्ट के जो पांचवें नंबर तक क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज तीसरे पार्ट में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस को। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम सब लोग। तो पहले का 6वां नंबर है, ठीक है, 3 sin x + 4 cos x, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। x के किन मानों के लिए ये सब मैक्सिमा और मिनिमा होने वाले हैं। और जो सेकंड है, 7th है, वो x² - x + 1 / x² + x + 1। 8वां हमको दिया गया tan x + cot x। तो स्टार्ट करेंगे हम 6वें वाले से। जो भी हमको दिया जाएगा फलन, उसको y मान लेंगे या fx मान लेते हैं, वो तो y आसान, y मान लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन, पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। भाई एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। तो y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होता है, d dx ऑफ y, और 3 कांस्टेंट है, साइन x का cos x होता है, और 4 भी कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर ही हम सेकेंड वाला डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, तो अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d2 dx2 ऑफ y, cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, और साइन x का क्या होता है, cos x। चिन्ह वैसे का वैसा ही इसका अपना रहे, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते थे। ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए, बिंदु निकालने के लिए प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो 3 cos x - 4 sin x = कितना होने वाला है, 0, जो कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। साइन एक्स को इधर लाएंगे तो 3 cos x = कितना हो जाएगा, 4 sin x। अब साइन के बटे में हम कॉस को ला रहे हैं और 4 को 3 के बटे में लाएंगे, तो टेन एक्स बन जाएगा हमारे पास कितना, ये इसके बटे में जाएगा, 4 इसके बटे में, तो 3 के बटे में 4। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x कितना होने वाला, tan इधर आएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, tan इन्वर्स 3/4। ये x हमारा मिल गया। अब इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे, ठीक है। तो रखेंगे d2 dx2 ऑफ y, x = कहाँ पर, tan इन्वर्स 3/4 पर, = माइनस का कॉमन है सब में, माइनस बाहर निकाल रहे हैं, 3 sin x निकालना है और हमको tan x दिया गया है, हम रखेंगे यहीं पर, लेकिन हम x की वैल्यू की जगह पर हमको tan x दिया गया, उससे हम sin x cos x डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan x हमारा क्या होता है, tan x हमारा दिया गया सबसे पहले 3/4, यानी लंब बटा आधार, ऊपर लंब नीचे आधार, कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट के बाहर आएगा 25, तो कितना बचा, 5। साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारे पास 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। कॉस एक्स क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमारे पास है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। यही मान उठा करके हम इसमें रखेंगे, -3। एक्स का मान रखेंगे, फिर भी वही मेथड लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट साइन एक्स का मान हमने एक्स से निकाल लिया है, ठीक है। तो साइन एक्स कितना आया, 3 के बटे में 5, प्लस प्लस बचेगा 4। कॉस एक्स कितना हमारे पास आया, 4 के बटे में 5। हल करेंगे, हल करेंगे तो ये मान देखो, 9 16 16 और 9 25 / 5, यानी 5 माइनस का आने वाला है, और जो कि क्या है, निगेटिव है।
अतः हम कह सकते हैं x बराबर tan इनवर्स x पर tan इनवर्स 3/4 पर fx क्या है, माइनस आया तो यानी उच्चिष्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल मानते हैं और फिर करते हैं डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर अंश बटा हर लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ y, तो हर हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू अंश का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ अंश कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस अंश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो कि है, और इंटू हर का अवकलन, हर कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और बटे में हर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा साल्व किए करें, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ब्रेकेट में किए दे रहे हैं इंटू में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है और x का होता है माइनस वन, माइनस वन का जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ही है, इसका डी डी एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है और x का कितना होता है 1 होता है और 1 का जीरो हो जाएगा, बटे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अंदर गुणा कराएं, पहले गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x का 1 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई चिन्ह सबके बदल जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का चिन्ह सामने देखो माइनस है, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा 2x से कराएंगे तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 से कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस प्लस, एक्स का गुणा 2x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर, एक्स का गुणा 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, और अब अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस 1 का गुणा 2 से कराएंगे माइनस 2x और यहाँ पर माइनस 1, बटे में कितना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बच रहा है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस का टू और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, यही सेम फार्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, दो दूना चार एक्स और ये टू का हो जाएगा जीरो, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टू एक्स और इंटू एक्स का अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स एक्स का वन और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी चार हो जाएगी घात। ठीक है, देखिए बस ज़्यादा टेंशन नहीं इसमें, बस चिन्ह हमको देखना है, बाकी ये कैसे जा रहा है कैसे कितना क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चार एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह, यहाँ से हम दो कामन लेंगे और यहाँ से हम कामन ले रहे हैं दो, तो दो दूना चार बाहर, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, है ना, दो यहाँ से बाहर लिया, दो यहाँ से, दो दूना चार
एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर दो बाहर चला गया माइनस वन, और ब्रैकेट में कितना है ये हमारे पास 2x प्लस वन है, और यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल पावर फोर। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना था 2x स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जीरो के इक्वल आएगा, ये जीरो हो जाएगा उधर जा करके, टू ऊपर कॉमन है, क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिक्वल्स टू जीरो आया, ये जीरो के बटे में जा करके जीरो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, आगे प्लस माइनस। ठीक है, ये यहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा करके प्लस बी ए माइनस बी, एक मान प्लस आएगा एक मान माइनस आएगा। तो पहला हम मान क्या कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह देख रहे हैं कैसा आ रहा है, कहाँ पर एक्स बराबर वन पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा फोर इक्वन फोर, अंदर वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन और एक्स का मान वन प्लस वन का होल स्क्वायर फोर, एक्स का मान कितना वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, और वन माइनस वन जीरो होता है तो जाहिर सी बात आगे लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो वन का स्क्वायर वन होता है और वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो इससे कोई मतलब नहीं है आगे, और नीचे वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन की होल पावर फोर कितना आएगा वन वन टू वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर जा 36 अपॉन वन टू थ्री, थ्री की पावर फोर थ्री नाइन 81 क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी x बराबर वन पर एफ एक्स हमारा फलन जो कि है क्या है होगा पॉजिटिव यानी निम्निष्ठ है। आ रही बात समझ में, ऐसे ही अब सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह देखते हैं कहाँ पर, जो अगला बच रहा है मान हमारा x बराबर माइनस वन, वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का फोर हो जाएगा क्योंकि चार का माइनस एक से गुणा कराएंगे तो माइनस चार, ये पूरा स्क्वायर है तो पॉजिटिव, यानी कि कितना आने वाला है एक माइनस एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक यानी गुणा में एक ही आने वाला है, माइनस का चार, माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है एक होता है, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा और एक में से एक घटाएंगे पूरा जीरो हो जाएगा, तो आगे पूरा जीरो, बटे में माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है एक होता है, माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर एक की पावर फोर यानी एक, हल करने पर ये माइनस चार आ रहा है यानी निगेटिव है, तो एक्स बराबर माइनस वन पर फलन निगेटिव आ रहा है यानी उच्छिष्ट। ठीक है, बस ऐसे लगाने इनको, आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आठवां नंबर क्या कह रहा है, इसको भी हम किसके इक्वल मान लेंगे y के इक्वल, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें पहले, tan क्या होता है साइन बटा cos, और cos क्या होता है cos, cot क्या होता है cos बटा साइन। ठीक है, नीचे सरल करेंगे तो ये नीचे साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस लगा प्लस कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा ऊपर वन हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा मान, वन बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन में कितना आया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स, और बटे के साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू एक्स, एक बटा साइन टू एक्स क्या होता है कॉसिक टू एक्स, कॉसिक टू एक्स, ये बन गया हमारा आसान सा। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारे पास कितना होने वाला है टू
कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस का, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इंटू में 2x का करेंगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यहाँ से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, इसको 0 इक्वल लेते हैं ddx ऑफ y को, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कितना आने वाला है, 2 दो दूना 4 माइनस का कॉसेक 2x, कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, पहले ये 0 के बटे में जाएगा, 1 बटा साइन 2x हो जाएगा, ये कॉसेक 2x क्या होता, कॉट 2x क्या होता है, कॉस 2x अपॉन साइन 2x इक्वल टू 0। ये साइन 2x इधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0 है तो कितने अंश का मान जाने वाला है, कॉस 0 कितने अंश का मान होता है, कॉस पाई बाई 2 का मान होता है 0 अंश, 90 अंश का मान 0 होता है। कंपेयरिंग कराएंगे तो 2x की वैल्यू कितनी हो रही, पाई बाई 2, 2 को नीचे लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाई 4 हमको x मिल गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 दूना 4 माइनस का, ये बाहर है कांस्टेंट आएगा, माइनस का फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। अच्छा इसे थोड़ा सा आसान बनाएं तो अंश बटा हर लगा सकते हैं, यहीं लगाएं अंश बटा हर लगा दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल ऊपर कॉस्ट 2x और नीचे साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x साइन 2x, हर अंश बटा हर लगाते हैं तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश कॉस 2x इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ हर कितना हमारे पास है, अरे साइन स्क्वायर 2x और बटे में हर का स्क्वायर यानी 2 दूना 4। सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा सा और एक लाइन देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x का क्या होता है, माइनस का साइन 2x होता है, माइनस का चिन्ह कॉस 2x, साइन स्क्वायर का क्या होता है पहले 2 साइन x, और इंटू साइन x का क्या होगा कॉस x, और इंटू 2x का क्या होगा 2 और बटे में साइन की पावर 4 2x। ठीक है तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, यहाँ माइनस बाहर लेंगे यहाँ से माइनस, माइनस माइनस प्लस बाहर हो जाएगा, चलिए ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स वो भी 2 का, ये कितना हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर 2x और प्लस का ये 2 दूना 4 गुणा में है ना, 2 दूना 4 साइन 2x और बटे में साइन की पावर 4 2x। अब क्योंकि जो x है वो 90 अंश से कम है, पाई बाई 4 यानी 45 अंश, और 90 अंश से कम जितने भी मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक, तो ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, यानी सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ पर x बराबर पाई बाई 4 पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर पाई बाई 4 पर फलन निम्निष्ठ होगा, ऐसे भी लगा सकते थे डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं चेंज करने का, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी लगा सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया है वो, वैसे वो आप लोग कर सकते हैं वैसे मेथड भी, ठीक है डायरेक्ट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं, यदि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, तब वाई का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए।
तो पहले हम इसका डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स क्यूब का 3x2, 2x2 का 4x, एक्स का 1। अब अगेन डिफरेंटिएशन किए ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ नीचे देखते हैं, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, 2 × 3 = 6x माइनस का 4। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सब जगह यही यूज करना है, बहुत आसान है, बस एक ही मेथड से सब आएंगे। क्या होगा, प्रतिबंध क्या है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, डी डी एक्स ऑफ वाई 0 होता है, तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। 3 × 3 = 3 × 1 = 4, तो x² माइनस 3x माइनस एक्स प्लस का 1 = 0। गुणनखंड करेंगे, 3x कॉमन है, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस, कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, x माइनस 1 बचेगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बाहर आ गया ना, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 बाहर चला गया था, x माइनस 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, 3x माइनस 1 = 0, एक्स का मान 1 आएगा और 1/3 आएगा। चेक कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव का मान कहाँ पर, सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो 6 × 1 − 4 = 2, जो कि क्या है, पॉजिटिव, यानी x बराबर 1 पर एफ एक्स यानी फलन हमारा क्या है, निम्निष्ट। मान क्या होगा निम्निष्ट, हमको मान चाहिए इस बार, ये कुछ अलग है, अभी तक हम केवल चेक कर रहे थे कहाँ निम्निष्ट कहाँ उच्चिष्ट है, यहाँ हमको मान भी चाहिए निम्निष्ट, जिस बिंदु पर निम्निष्ट होगा वहाँ मान होगा। y = निम्निष्ट बिंदु क्या है, एक 1 है, y = 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, 1 माइनस ये कितना, माइनस का 2 और ये 1 9, 9 1 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, ये निम्निष्ट मान है हमारा। अब x बराबर जो हमारा वैल्यू बच रहा है 1/3, वहाँ पर चेक करते हैं, इसमें रखेंगे 1/3 का क्यूब माइनस 2 × 1/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का मान 1/3 प्लस का 8, हल करेंगे, क्यूब है यहाँ पर, 3 × 9 = 27, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 2/3 × 9 प्लस का 1/3 और प्लस का 8। एलसीएम लेंगे सभी का तो कितना आने वाला है, सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, तो 27 × 1 = 27, 9 × 3 = 27 और 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 9 × 1 = 9 और 27 × 8, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 1 है ना, तो 8 × 8 = 56, 8 × 2 = 16 और 5 = 21, हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 26 = 220/27, क्या आया है, पॉजिटिव, यानी कि x बराबर 1/3 पर भी क्या आ रहा है, निम्निष्ट फलन क्या है, निम्निष्ट। तब मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ट मान हमारे पास, यानी y बताता है हमें मान, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो गया, अरे सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी थी, y में नहीं रखनी थी, y में रखे थे तो फिर कितना आया था, 220/27, ये मान हो जाएगा y का, लेकिन देख रहे हैं पहले कौन सा मान आने वाला है। सेकेंड डेरिवेटिव में रखो तो 6 × x का मान 1/3 माइनस 4, 3 × 2 = 6 आएगा क्या, माइनस 2, यानी x बराबर 3 पर क्या होगा, फलन उच्चिष्ट, और हमने ये मान निकाला था उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान हमारा कितना आया था, यानी y कहाँ पर, 1/3 पर, वही मान तो वही रखे थे, बस चेक नहीं किए थे, मान तो हमारा 220/27 ही आएगा, ठीक है, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।